तो इस नेमार्ड वीडियो को बनाने के लिए टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरे नाम का बना दो, मेरे नाम का बना दो। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे एक कलरफुल स्मोक इफेक्ट वीडियो चाहिए और इसके साथ साथ आपको एक यहाँ पे PNG इमेज चाहिए जो हार्ट का होता है। तो मैंने यहाँ पर उस इमेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस स्मोक इफेक्ट का भी लिंक दे दिया है और इसके साथ साथ कायनमास्टर एप्लीकेशन का भी लिंक दे दिया है। तो आपको जाकर के तीनों चीज़ों को डाउनलोड करना है और इसके बाद आपको कायनमास्टर को सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा और इसके बाद ओपन करना होगा। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके बीच वाले रेसिओ को आपको क्या करना है कि ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऊपर में मीडिया का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सबसे पहले इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इस इमेज को लेकर के आ जाना है जो मैं अभी यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस सब को लिखने में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से एडिट करके यहाँ पे आपको दे दिया है। और आपको यहाँ पे क्लिक करके क्रॉपिंग में जाना है और क्रॉपिंग में जा करके यहाँ पर इक्वल वाले पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको अच्छे से फिक्स करके राइट पर क्लिक कर देना है ताकि यह यहाँ पर जूम नहीं होगा और हिलेगा नहीं। और इतना कर लेने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से आप किसी भी लेटर को, मतलब किसी भी वर्ड को आप यहाँ पे ले सकते हैं जिसको आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे T लेकर के ओके पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ से पकड़ना है इसको थोड़ा सा और इसको इस तरीके से इसको जूम करके बड़ा कर देना है। और इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज करने के लिए आपको DA पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने एक मतलब पहले से ही फॉन्ट को डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहां पे चाहे तो किसी भी फॉन्ट को ले सकते हैं। और अगर आप यहां पे एक्स्ट्रा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां पे एक होम का ऑप्शन दिख जाएगा साइड में ऊपर में यहां पे राइट के बगल में आपको, तो आप यहां पे क्लिक करके आप डाटा ऑन करके यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा वहां पे मिल जाएगा स्टाइलिश फॉन्ट जिसको आप यहाँ पर इंस्टॉल करके ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट पर यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और इस तरीके से इसको ला करके यहाँ पर सेट कर लेना है। ऊपर में अपने नाम को लिख लेना है जिस भी आप नाम को लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं T और इसके बाद फिर यहाँ पे V लिखेंगे। तो V के लिखने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा तो इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। तो इसको आपको लेकर के नीचे आ जाना है और यहाँ पे लेकर के आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ऊपर में एक कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पर और यहाँ से बैक आ जाना है और जो दूसरा आपको वर्ड लिखना है उसको आपको लिख करके फिर से ओके पे क्लिक कर देना है। और इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कलरफुल स्मोक इफेक्ट का वीडियो चाहिए, तो लेयर पर क्लिक करके आपको मीडिया में जाना है और आपने जिस स्मोक इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड किया है उसको लेकर के आपको यहाँ पर आ जाना है। तो हम यहाँ पे इसको लेकर के यहाँ पे आ जाते हैं और इसको लेकर के आने के बाद इसको आपको फुल स्क्रीन में सेट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस बॉक्स पे और फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है और इस तरीके से यहाँ पे हमारा मतलब स्मोक इफेक्ट वाला इमेज भी आ चुका है, मतलब वीडियो आ चुका है। और यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका वीडियो है मतलब जो इमेज है उसको आपको यहाँ पर इस वीडियो के इक्वल कर देना है और यहाँ पर जो आपने लिखा है वर्ड इसको भी आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है और इसको स्मोक इफेक्ट के इक्वल कर देना है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के खींच के इस तरीके से इतना कर देना है और इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है जो स्मोक वाला वीडियो है। और आपको सबसे नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन का, तो आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को क्या करना है कि ऑन करके राइट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे वीडियो को बना सकते हैं और ऐसे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस वीडियो को शेयर भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जिस भी मतलब लोग का नाम यहाँ पे इस वर्ड से मैच करेगा वो आपके वीडियो को डाउनलोड करेगा और उसको शेयर करेगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो अब यहाँ पर बन करके रेडी हो चुका है और वीडियो बन जाने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको शेयर वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक और वीडियो को फुल HD में डाउनलोड करके TikTok पर अपलोड कर देना है।